हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई फूड क्रिएशन एंड वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम आए गोदावरी बेकरी पे, जिसके एग्जैक्ट लोकेशन में वीडियो के एंड में बताएंगे। सो गाइज, यहाँ पे मिलते हैं बेस्ट बर्गर वेस्ट दिल्ली के, और मतलब बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है इनकी। सब आपको पूरी मेकिंग दिखाने वाला हूँ बर्गर की। सो गाइज, अभी हमारे यहाँ पे 50 से 60 बर्गर बनने वाले हैं एक बारी में, और जिनकी दिन की सेल बर्गर्स की वो यार बहुत ज़्यादा है, लगभग 1000 से 1100 बर्गर में डेली की बिकते हैं। 3 ब्रांच है इनकी, तीनों का लोकेशन जो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिल जाएगा। सो गाइज, अभी तुम्हारा यहाँ पे बर्गर का जो बना है वो कट हो रहा है, और 3 पीसेज में कट इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्कुल यूनिक बर्गर है ये, और ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए ऐसा करा जा रहा है। आप यहाँ पे खाने आओगे तो भाई आपको सेम टेस्ट मिलेगा। जो लोग विकासपुरी में रहते हैं उन्होंने जानते होंगे गोदावरी बेकरी कितनी फेमस है वहाँ पे, क्योंकि भाई इनका बर्गर इतना मशहूर है तो मैं आपको मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत सही टेस्ट होता है इनका। सो गाइज, हमारे 60 बर्गर जो है वो लग के रेडी हो गए, मेरे ख्याल से 60 से ज़्यादा ही हैं ये, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट हाँ बहुत सारे बर्गर हैं ये। आप देख सकते हो पूरी ट्रे भरी पड़ी है बर्गर से। तो भाई इसके ऊपर सॉसेज लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी सारे सॉसेज और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। 40 रुपये में कम्प्लीट वर्थ होता है इनका बर्गर। अगर कभी आपने गोदावरी बेकर्स का बर्गर ट्राई किया तो फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताना। रुक जा, तो जिसके ऊपर सॉस थी वो लग के रेडी हो गई है गाइज, और अब इसके ऊपर हमारी टिक्की लगी जा रही है, आलू टिक्की है ये। और जो आलू टिक्की होती है उसके अंदर ही अपने आलू डालते हैं और थोड़ा सा वेजीज वगैरह डालते हैं, तो नॉर्मल बेसिक टिक्की होती है जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, बट जो टेस्ट है भाई वो नेक्स्ट लेवल जाएगा। क्योंकि बर्गर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ 40 रुपये आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐड होने बाकी हैं अभी। और गाइज, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा मोटो व्लॉगिंग चैनल का भी लिंक है, अगर आपने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज, मेरा मोटो व्लॉगिंग वाला चैनल है, उस पर भी फिलहाल एक ही वीडियो है, बाकी वीडियो उसके ऊपर अपलोड करेंगे। थोड़ा सा इशू हो गया था, कार वाले ने मेरी बाइक हिट कर दी थी लेफ्ट साइड से, तो हल्का सा क्रैक आ गया है, तो वो जैसे ही ठीक हो जाएगा फिर से हम अपने चैनल पर वापस आएंगे और ड्रैग्स वगैरह डालना स्टार्ट करेंगे। और जिसके ऊपर चीज़ लगाई जा रही थी अभी ये वाली गाइज, इसके अंदर कैरेट है आपकी और पत्ता गोभी है, और उसके पूरा पेस्ट बना के डाल रखा है। वो पेस्ट जो है उसकी पूरी मेकिंग मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे रील में डाल रखी है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो गाइज, बाकी इसके ऊपर भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी भाई, देखते जाना, अल्टीमेट बर्गर बनने वाला है ये। और गाइज, बाकी सॉस लगना इसके ऊपर स्टार्ट हो गई है, बर्गर अभी भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट नहीं हुआ है, चीज़ जलना इसमें अभी भी बाकी है, और इसे अभी ग्रिल किया जाएगा। सो गाइज, देखा आपने कितना लोडेड है ये, 40 रुपीज़ में एकदम कम्प्लीटली वर्थ है भाई, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है ये। इसका तो हमारा पास्ता सैंडविच भी, उसकी मेकिंग दिखाएंगे, मैंने दोनों मेकिंग एक साथ लगा दी है कि आप पहले मेकिंग देख लो, उसके बाद हम आराम से टेस्टिंग करके आपको बताएंगे। वेरी गुड, तेजी से बस पीछे वाले भी कर दो। सो गाइज, हमारे दोनों बर्गर में बन के रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं हमें सैंडविच की मेकिंग देखने। सो गाइज, ये हमारा पास्ता ग्रिल सैंडविच बनने वाला, चीज़ सैंडविच है, बाकी नॉर्मल सैंडविच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा अलग होगी भाई, ये भी एकदम लोडेड बनता है यहाँ पे। इसका प्राइस जो 60 रुपीज़ है सिंगल पीस का, बाकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो के अंदर आगे बता रखी है। सो गाइस, इसके ऊपर भी सॉस लग रही है, और इसके अंदर पास्ता चीज़ बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और सॉसेज के नाम है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इनके भी थोड़े प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। अगर अपने रेसिपी जो है पूरे डिस्क्लोज कर देंगे तो सब कॉपी करके गोदावरी बेकर्स ही बन जाएंगे ना यार, तो मेन रीज़न यही है। बाकी यार देखो, ये भी एकदम बल्क में बनेगा, अभी फिलहाल मैंने 8 पीस लगवाए हैं इसके। तो गाइज, इसके ऊपर पास्ता लगाया जा रहा है, और इसकी रील भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है फुल मेकिंग, अगर आपको शॉर्ट में देखना तो मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। गाइज, अगर अभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, बहुत टाइम से आप लोग यार सपोर्ट नहीं करें इंस्टाग्राम पे, रीच काफ़ी कम हो गई, तो उसको फॉलो कर दो यार, थोड़ा रीच उठाओ, पोस्ट को शेयर करो, लाइक्स कमेंट किया करो पोस्ट पर, और वीडियोज़ के नीचे भी बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो यार, इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, थोड़ा अप्रिशिएशन तो हम लोग भी डिजर्व करते ही हैं। Gracias.
काम करो सुनो यहाँ तो सारी सॉसेस लग चुकी हैं और उसके ऊपर दोबारा से पास्ता ऐड हो रहा है। एकदम लोडेड सैंडविच मिलेगा और ऐसा नहीं है कि वीडियो की वजह से ही आपको इतना करके दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे खाने आओगे तो आपको सेम प्राइस मिलेगा और सेम टेस्ट मिलेगा। बाकी यार एक बार ट्राई तो ज़रूर करना, और जो लोग विकासपुरी से हैं जिन्होंने ये चीज़ ट्राई कर रखी है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आप लोगों के यहाँ का पास्ता और सैंडविच और हमारा ग्रिल बर्गर जो है कैसा लगता है। अभी इसके ऊपर चीज़ ऐड होना शुरू हो गया है और कहीं इसके पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से वेजीज आएंगे इसके ऊपर और एक ग्रिल होगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलो यार इसकी टेस्टिंग करने चलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो गाइस चलो आ जाओ टेस्टिंग करने से जाए इसकी। तो गाइस हमारे चीज़ पास्ता सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं। आप इसके एक बार लुक देख सकते हो भाई, फुली लोडेड है, बहुत सारी वेजीज है अंदर से भाई, पूरा पास्ता से लोडेड है और बहुत सारी वेजीज भी डाल रखी है इसके अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, बहुत माउथ वाटरिंग है। और जिसका प्राइस है वो 60 rupees, आपको ये सिंगल पीस मिलेगा 60 में। मैंने दो लिए अपने खाने के लिए, तो भाई इसका प्राइस 120 होगा दो के हिसाब से। सिंगल पीस आपको 60 rupees का पड़ेगा। सर अपने मेकिंग में देखी, बहुत बढ़िया मेकिंग थी। अगर इसका बाइट लेके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। भाई मैंने चीज़ पास्ता सैंडविच ट्राई किया भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत बढ़िया लगा मेरे को खाने में। यार हर एक चीज़ का तो टेस्ट एकदम बैलेंस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब पास्ता का टेस्ट जो है बाकी सैंडविच से टेस्ट के वो डोमिनेट कर रहा है भाई। एकदम बैलेंस टेस्ट है, थोड़ा क्रंची भी है इसका बेस, तो मज़ा आ रहा है खाने में। एकदम परफेक्ट लगा, 60 rupees में एक बंदे के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हमारे बर्गर भी बन के रेडी हो गया, चलो एक बार उसकी भी टेस्टिंग कर। भाई जी हमारा चीज़ ग्रिल बर्गर भी बन के रेडी हो गया, ये आप चेक कर सकते हो यार, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो एक बार इसकी भी एक बाइट लेके देखते हैं। इनका सैंडविच ट्राई किया भाई, वो भी बहुत शानदार लगा। चीज़ बर्गर है, इसका प्राइस है 50 rupees और नॉर्मल बर्गर का जो प्राइस है वो 40 rupees। सो लेट्स एक बार टेस्ट करके देखते हैं, सो लेट्स एक बार बाइट लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं इनका बर्गर कैसा है। भाई मज़ा आ गया इनका बर्गर ट्राई करके भाई, एकदम सॉफ्ट बर्गर है। आप एक बाइट रखोगे भाई मज़ा आ जाएगा, जो बने हुए एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो मज़ा आ रहा है इसको खाने में। चीज़ से लोडेड है, टिक्की इनके एकदम फ्रेश है, सारे आइटम्स जो यूज़ करते हैं सारे बहुत बढ़िया हैं भाई, मज़ा आ गया खाने में। इसके एक और बाइट लेंगे यार। भाई ओपी बर्गर है ये, 50 rupees में कंप्लीट पैकेज है, मज़ा आ गया। यहाँ पे ना एक पनीर बर्गर भी मिलता है जिसका प्राइस 60 rupees, उसके अंदर पनीर की स्लाइस भी ऐड होती है। ये हमारा नॉर्मल बर्गर था चीज़ वाला, इससे 40 वाला बैचेस में चीज़ नहीं होता, विदाउट चीज़ बर्गर होता है वो। तो यार मेरे को दोनों आइटम्स बहुत बढ़िया लगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस यहाँ का लोकेशन है गोदावरी बेकरी विकासपुरी डी ब्लॉक। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।